Assalamualaikum. मेरा नाम है डॉक्टर अफीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स. लास्ट टाइम हमने जिस टॉपिक पे बात की थी वो था डेंटल टीथ वाइटनिंग, ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि आप क्लिनिक पे कैसे किस तरीके से वाइटनिंग करवा सकते हैं. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो है डेंटल टीथ वाइटनिंग एट होम. तो आप अपने घर में बैठे बैठे किस किस तरीके से टीथ वाइटनिंग कर सकते हैं, ठीक है. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इफेक्टिव वेज कौन से हैं और लीस्ट इफेक्टिव वेज कौन से हैं जिनका असर नहीं आता. सबसे पहले हम बात करते हैं, कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट होता है जिसको हम नाम सुन रहे होते हैं, चारकोल वाइटनिंग या चारकोल टूथपेस्ट, ठीक है. अब ये क्या चीज़ें होती हैं, ये होता है कि जो चारकोल टूथपेस्ट है वो एक अब्रेसिव मटेरियल है. वो क्लेम करते हैं कि वो आपके दांतों को वाइटन कर सकते हैं, बट दे वोंट वाइटन योर टीथ. वो क्या करते हैं, आपके दांतों के ऊपर से थोड़े बहुत स्टेन्स रिमूव कर सकते हैं. स्टेन्स क्या होता है, चाय कॉफ़ी जब आप पीते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके हल्दी वगैरह के इस तरह कुछ आपके स्टेन्स वगैरह निशानात आ सकते हैं, ठीक है. तो ये जो चारकोल वाइटनिंग होती है ये एक्चुअल में वाइटन नहीं करती आपके दांत को, ये उन स्टेन्स को रिमूव करने में या स्टेन्स को रिड्यूस करने में ज़रूर हेल्प कर सकती है. लेकिन मैं साथ साथ ये बताती चलूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चारकोल क्या है, एक अब्रेजिव है, मतलब कि एक रगड़ के आपके दांत को साफ करता है. उससे ये होता है कि इनिशियली शुरू में तो आपको कुछ रिजल्ट महसूस होगा कि आपके स्टेन्स रिमूव हो रहे हैं, लेकिन विद टाइम वो आपकी जो इनेमल की लेयर, जो हमारी प्रोटेक्टिव इनेमल की लेयर होती है, वो विद टाइम उसको भी अब्रेज कर देता है, उसको भी वो रगड़ देता है, और अल्टीमेटली क्या होता है आपके दांतों में उसको लॉन्ग टर्म यूज करने पे सेंसिटिविटी हो सकती है. सो यू कैन यूज इट फॉर जस्ट थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म यूज करना चाह रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे आपकी टीथ वाइटनिंग हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. तो चारकोल टीथ वाइटनिंग जो है वो आपके स्टेन्स रिमूव करने में, रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन वो आपके दांतों को वाइटन नहीं करेगी. सेकेंड पॉइंट जिससे आप टीथ वाइटनिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे वो है वाइटनिंग स्ट्रिप्स. अब वाइटनिंग स्ट्रिप्स जो है वो आपको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कमर्शियल भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको जाके आप वाइटनिंग स्ट्रिप्स खरीद सकते हैं. अब मैं बताती चलूँ वाइटनिंग स्ट्रिप्स जो है ना उसका किस तरीके से असर आता है और वो आपने किस तरीके से यूज करनी होती है. वाइटनिंग स्ट्रिप्स में एक्चुअल में आपकी जेल लगी हुई होती है, या हम जिसको कहते हैं आपकी ब्लीचिंग जेल लगी हुई होती है, जो कि एक्चुअल में पर ऑक्साइड होता है, और वो जो जेल होती है एक्चुअल में उसने आपकी वाइटनिंग करवानी होती है. वही जेल हम अपने क्लिनिक्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं फॉर टीथ वाइटनिंग. लेकिन एक बात मैं बताती चलूँ, जो वाइटनिंग जेल की कंसनट्रेशन आपकी वाइटनिंग स्ट्रिप्स में होती है और जो आपके डेंटल क्लिनिक में यूज़ हो रही होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है. तो जो स्ट्रिप्स में जो जेल की कंसनट्रेशन यूज़ हो रही होती है वो बहुत ही लेस कंसनट्रेटेड होती है, वो बहुत ही माइन्यूट होती है, कम होती है, आप समझें. उसकी वजह से ये होता है कि जो वाइटनिंग स्ट्रिप्स यूज़ करने से जो आपकी वाइटनिंग का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको एक दिन में नहीं मिल जाएगा. उसके लिए आपको कम अज़ कम अपनी जो वाइटनिंग स्ट्रिप्स हैं वो दो हफ्ते से लेके एक महीने तक यूज़ करनी होती हैं, डेली तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा, वो आपकी स्ट्रिप्स के साथ मेंशनड होगा. तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ही दिन स्ट्रिप्स लगा के अपना रिजल्ट वो वाला पा सकते हैं जो कि आप क्लिनिक से वाइटनिंग करवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. लेकिन वाइटनिंग स्ट्रिप्स जो हैं वो बिल्कुल काम करती हैं अगर आप उनको करेक्टली यूज़ करें और उसको टाइमली यूज़ करें जितना आपके लिए रिकमेंड किया गया है. अब वाइटनिंग स्ट्रिप्स को यूज़ करने का तरीका क्या होता है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने दांतों को क्लीन करना है. क्लीन किस तरीके से करना है, आपने दांतों को फ्लॉस करना है और आपने ब्रश करना है. ब्रश जब करें तो ख्याल रखिए कि जो आपने टूथपेस्ट यूज़ करना है वो फ्लोराइड फ्री हो, क्योंकि अगर फ्लोराइड के साथ आप यूज़ कर रहे होंगे तो मैंने जो आपको बताया है जो ब्लीचिंग एजेंट लगा हुआ होता है, जो ब्लीच जिसने आपको वाइटन करना है दांत को, वो असर नहीं करता. तो आपने ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है जिसमें फ्लोराइड ना हो और फ्लॉस करना है. उसके बाद आपने अपने दांतों को ड्राई करना है. आप किसी क्लॉथ से ड्राई कर सकते हैं अपने दांतों को, क्योंकि जब आपके दांत जो है उसके ऊपर सलाइवा आया हुआ होगा या थूक आया हुआ होगा तो जो आपकी स्ट्रिप है वो आपके दांत के साथ चिपकेगी. तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, आपने दांतों को ड्राई किया. उसके बाद आपने अपनी स्ट्रिप्स को लेना है, जो स्ट्रिप्स मेंशनड होती हैं उसके ऊपर कि आपने ऊपर वाले दांतों पे कौन सी लगानी है और नीचे वाले दांतों पे कौन सी लगानी है. आप अपने ऊपर वाले दांतों पे पहले स्ट्रिप्स लगाएंगे. मेक श्योर कि जब आप स्ट्रिप्स को अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपने गम्स को अप्लाई नहीं करना, वो स्ट्रिप जो आपके गम्स को जाके ना लगे, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया ब्लीचिंग एजेंट है वो आपके गम्स को लग के आपके गम्स को इरीटेट कर सकते. तो आपने ख्याल रखते हुए अपनी स्ट्रिप्स को अप्लाई कर लेना है, उसको आपने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है. और 20 मिनट इस दौरान आप कोशिश करें आप कम से कम बोलें, क्योंकि जितना आप बोलेंगे अगेन आपका सलाइवा जो है थूक जो है वो प्रोड्यूस होता है बोलने से. तो आपने अवॉइड करना है बोलना और आपने लेट जाना है उस 20-15 मिनट के लिए, ताकि आपका वो जो सारा टाइम है वो आपका सलाइवा पी गुजरे. नेक्स्ट क्या आप करेंगे, नेक्स्ट आप अपने उस स्ट्रिप्स को उतारेंगे और आप एट दी एंड ब्रश करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो भी अगर कोई ब्लीचिंग एजेंट लगा रह गया हुआ है वो आपके दांतों से उतर जाए.
अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है, ये 15 से 20 मिनट की जो एक्सरसाइज है, ये आपने डेली करनी होगी। एंड समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि आपने इसको ट्वाइस अ डे करनी होगी फॉर बेटर रिजल्ट्स, और आपने इसको कंटिन्यू रखना है फॉर एटलीस्ट 14 डेज फॉर योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। पॉइंट नंबर 3, जिस तरीके से आप अपनी व्हाइटनिंग घर पर कर सकते हैं, वो होती है व्हाइटनिंग किट्स। अगेन, ये भी व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स की तरह आपको यहीं से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और आपको प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल भी हो सकती हैं ओवर द काउंटर, कहीं से आपको मिल भी सकती हैं। अच्छा, अब ये जो व्हाइटनिंग किट्स होती हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं? ये होती हैं कि उनके अंदर इस तरह की एक आपको एक ट्रे आती है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की आपको एक ट्रे मिलेगी, ठीक है, उसके साथ आपको कुछ सिरिंज में आपको ब्लीच मिलेगा, वही ब्लीचिंग एजेंट परऑक्साइड, जिसको मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ व्हाइटनिंग के लिए, वो आपको अलग से सिरिंज में मिलेगा। उसमें आपने क्या करना होगा कि उसमें आपने अपनी जो वो व्हाइटनिंग जेल है वो अपनी इस तरह की ट्रे में लगा के अपने दांतों पे सीट करके बैठना होगा, और उसको आपने अगेन मिनिमम 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना होगा। ये प्रोसीजर जो है, ये इसके अंदर भी जो जेल की जो कंसेंट्रेशन है वो काफ़ी लो रखी जाती है, क्योंकि अफकोर्स जो भी पेशेंट है वो प्रोसीजर अपने घर में खुद कर रहा है, अगर जेल की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो आपको सेंसिटिविटी कॉज कर सकती है। यही प्रोसीजर अगर हम क्लिनिक में करें तो ऑफकोर्स हम जेल की कंसेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, और उस टाइम हम आपके गम्स को प्रोटेक्ट करते हैं सबसे पहले, और फिर हम कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो व्हाइटनिंग किट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक मैंने आपको बताया, इस तरह की ट्रे आएगी, उसके अलावा आपके पास जेल की सिरिंजेस आएंगी, जिसके अंदर आप जिससे आपने अपनी जेल को अप्लाई करना होगा, और उसके साथ साथ समटाइम्स कुछ आपको एक LED लाइट भी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको दे रहे होते हैं। अब उसको क्या होता है, उसको भी आपने अपने मुंह में रख के बैठना होता है उस LED लाइट को। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे फ़र्क पड़ता है कि जो भी हमने अपना ब्लीचिंग एजेंट जो ब्लीच लगाया था वो जो है वो अपना असर थोड़ा सा जल्दी कर देता है। लेकिन इस जल्दी का मतलब ये नहीं है कि ये जो है प्रोसीजर आपको अगेन सिर्फ एक दफ़ा करना होगा, इसमें भी आपको कम अज़ कम 7 दिन तक अपनी ये जो प्रोसीजर है रोज़ करना है। रोज़ रात में आप अपनी जेल लगाएंगे, जेल लगा के अपने मुंह में लगाएंगे, और उसके बाद आपने उसको 10 से 15 मिनट रखे रहने मुंह में लाइट डाल के, और उसको आपने रोज़ फॉलो किया, क्योंकि इसका रिजल्ट भी जो है वो आपको कुछ टाइम तक ही शो होना शुरू होगा। इस मेथड का थोड़ा सा नुकसान ये हो सकता है कि जो आप जेल अपनी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो वो एक तो आपके दांतों को भी सेंसिटिव कर सकती है, और आपके गम्स को भी वो हर्ट कर सकती है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आप अगर आपके दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको जो ट्रेज मिल रही हैं बाजार से वो आपके दांतों को फिक्स हो सके। तो अगेन, आपके दांतों को अगर ट्रे आपकी फिक्स ही नहीं होगी तो आपका जेल जो है वो आपके दांत से लगेगी नहीं, और आपका जो वो असर जो हम चाह रहे थे वाइटनिंग का वो नहीं आ सकेगा। हमारे पास आ जाता है मेथड नंबर 4। अब मेथड नंबर 4 क्या है? मेथड नंबर 4 मेथड नंबर 3 से काफ़ी मिलता हुआ है। इसमें भी आपके पास ट्रे होनी है, जेल होनी है, आपने घर में बैठ के अपनी सारा प्रोसीजर करना है। लेकिन इसके अंदर फर्क ये आ जाता है कि जो ट्रे इसके अंदर बनती है वो बनती है आपकी कस्टम ट्रे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करेंगे, डेंटिस्ट आपका इंप्रेशन लेगा, और उस इंप्रेशन से जिस तरीके के दांत आपके हैं, जिस तरीके से आगे पीछे हैं, या जो भी आपके दांतों का लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल आपके दांतों के लेवल की आपकी ट्रे बनती है। तो अब इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि जो ट्रे होगी वो आपके दांतों के साथ फिक्स होगी। जब दांतों के साथ ट्रे फिक्स होगी तो जेल आपके दांतों के साथ ज़्यादा अच्छे से असर करेगी। दूसरा ये है कि डेंटिस्ट आपको खुद आपको जो जेल प्रोवाइड कर सकता है। अब उसमें भी ये होगा कि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आप डेंटिस्ट जो है वो उसको मैनेज कर सकता है, लो रख सकता है, ताकि आपको सेंसिटिविटी भी जो है वो कम से कम। तो ये था हमारा मेथड नंबर 4, जो कि अगेन ट्रेस का था, लेकिन वो ट्रेस थी आपकी कस्टम मेड ट्रेस, जो कि आप अपने डेंटिस्ट से, किसी भी डेंटिस्ट से आप अपने बनवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया टीथ व्हाइटनिंग एट होम। इसमें हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहला हमारा मेथड था चारकोल व्हाइटनिंग, जिसका मैंने आपको बताया असर जो है सबसे कम होता है और वो व्हाइटनिंग नहीं करता इतनी। सेकंड, मैंने आपको बताया व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स के बारे में। व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स जो है आप बाहर से ले सकते हैं, और इसका जो असर है वो वक्त के साथ आता है, यानी कि आपको कम अज़ कम 1 महीना लग जाएगा अपना डिजायर्ड रिजल्ट लाने में। नंबर 3 पे हमने डिस्कस की अपनी व्हाइटनिंग किट्स, ये अगेन आपको बाहर से कहीं से भी मिल सकती हैं, और इसका भी जो असर है वो ज़रा वक्त के साथ आता है, कम अज़ कम आपको हफ्ता इस्तेमाल करनी होती है। और लास्ट में हमने डिस्कस की अपनी कस्टम ट्रेज, अगेन जो कि आपने 3rd मेथड जैसी थी, लेकिन कस्टम ट्रेज जो है वो अपने डेंटिस्ट से आप अपने दांतों के साइज के मुताबिक बनवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, या कोई भी कोई आपकी डेंटल क्यूरी हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, और अगर आपको और कुछ कॉन्टेंट देखना है तो प्लीज़ डू फॉलो अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।